सो हे गाइस, आज की ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओप्पो A53s 5G के एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट के बारे में। जी गाइस, हम लोग बात करने वाले इसकी 60fps के गेम प्ले के बारे में, जानेंगे कि 60fps में आपको किस तरीके की परफॉर्मेंस प्रोवाइड करके देता है। इसके पहले मैंने इसके बाय डिफॉल्ट ग्राफिक्स के बारे में बताया था कि इसके बाय डिफॉल्ट ग्राफिक्स में किस तरीके की परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करके देता है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जाके उस वीडियो को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले इसके 60fps के गेम प्ले के बारे में, जानेंगे कि 60fps में आपको किस तरीके की परफॉर्मेंस प्रोवाइड करके देता है और 15,000 रुपए के प्रेजेंट में आपको ये फोन गेमिंग के लिए बाय करना भी चाहिए या नहीं, इन सब चीजों के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इसी कारण से ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारी आज के अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओप्पो A53s 5G के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो अभी आप देख सकते हैं इसके स्पेसिफिकेशन को, मैं इसे एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करके आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अगर आपको इसकी स्पेसिफिकेशन डिटेल में जानना है तो आप मेरी पिछली वीडियो को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है MediaTek का Dimensity 700 चिपसेट, जो कि एक 7nm फैब्रिकेशन वाला चिपसेट है, और नो डाउट जो चिपसेट है वो एक डुअल 5G चिपसेट है। एंड इसके अदर फीचर की बात करते हैं, जैसे कि इसके सेंसर्स, तो आपको सारे के सारे सेंसर देखने को मिल जाएंगे। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, और आपको फिजिकल वाला जायरोस्कोप देखने को मिलता है, जिसमें आपको कोई भी डिले देखने को नहीं मिलता है। अगर आप जायरो प्लेयर हो तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। एंड इसके डिस्प्ले की फीचर की बात करते हैं, तो आपको 60Hz वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, वो 20D+ रेजोल्यूशन के साथ में। तो स्पेसिफिकेशन वाइज एंड ओवरऑल लुक में ये 15,000 रुपए के प्राइस में थोड़ा जस्टिफाई भी लगता है। बाकी जानना ये इंटरेस्टिंग होगा कि आपको 60fps में किस तरीके की परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करके ये देता है। तो गाइस, इसी कारण से हम इस थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन को रखते हैं साइड पे, आ जाते हैं हमारे एक्चुअल गेमिंग रिव्यू पे। तो लिटरली हम इसमें टेस्ट करने वाले पबजी मोबाइल को। एंड जैसे कि आप सभी को पता है कि पबजी मोबाइल में बाय डिफॉल्ट ऑफर करता है स्मूथ में अल्ट्रा, लेकिन यूजिंग कॉन्फिग हमने इसे पुश किया है स्मूथ में एक्सट्रीम पे। जी गाइस, और स्मूथ एक्सट्रीम की गेम प्ले की बात करते हैं, यानी कि 60fps की गेम प्ले की बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं हम TDM के बारे में। तो TDM में ऐसे आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। 40fps के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको बेहतर ही परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। ना ही आपको कोई ग्राफिक्स के मामले में कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलेगा, ना ही आपको कोई लैग वाला इशू देखने को मिलेगा। इवन आपको रेंडरिंग को लेकर भी कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। प्रॉपर ये चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से रेंडर कर पाता है 60fps में ही। लेकिन वही बात आती है fps की स्टेबिलिटी के बारे में, यानी कि 60fps किस तरीके से मेंटेन कर पाता है। तो गाइस, मैं बता दूं कि यार TDM के गेम प्ले में ये फोन मोस्टली आपको 50 से लेकर 60fps प्रोवाइड करके दे ही देगा एनी हाउ कंडीशन। हालांकि कुछ कुछ रेयर कंडीशन में इसके जो fps है 47-48 तक भी जाते हैं। मोस्टली आप इस फोन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको 56-57 fps भी देखने को मिल जाएंगे TDM में। लेकिन वही बात करते हैं एक्चुअल गेमिंग टेस्ट के बारे में, जो कि होता है सैनॉक में, क्योंकि हम सभी को पता है कि यार सैनॉक में बहुत सारे एनिमी देखता उतरते हैं, और इसी कारण से वहाँ पे बहुत सारे फोन जो है वो फ्रेम की फ्लक्चुएशन करते हैं। तो क्या ओप्पो A53s 5G के साथ में भी ये इशू देखने को मिलेगा या नहीं, ये जानना इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो गाइस, मैं बता दूं कि अगर आप सैनॉक का बूट कैम कर रहे हैं इस फोन के साथ में, और जब आप प्लेन से जंप करोगे तो सडनली आप इसका जो fps का ड्रॉप है वो आपको 40 तक जाते हुए दिखाई देगा जैसे आप जंप करोगे तब। लेकिन अच्छी बात है कि वो फटाक से रिकवर हो जाते हैं जैसे जैसे आप लैंड करते जाओगे। और स्पष्ट भी, जब आप लैंड कर चुके हो और आप बहुत सारे एनिमीज के सराउंडेड हो, आपको क्लोज रेंज में फाइट लेना पड़ रहा है, तब उस इंटेंस सिचुएशन में ये किस तरीके की आपको fps की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करके देता है। तो गाइस, बता दूं कि यार इवन इंटेंस सिचुएशन में भी ये फोन आपको मोस्टली 45 से लेकर 55 fps डेफिनेटली प्रोवाइड करके देता है। यानी कि इवन इंटेंस सिचुएशन में भी ये फोन आपको 50 के अबोव ही आपको मोस्टली fps जो है वो प्रोवाइड करके दे रहा है। इंटेंस सिचुएशन में इसके जो fps है वो 47-45 तक भी आते हैं जब आप बहुत ज्यादा क्लोज रेंज में फाइट ले रहे हो तो, और कभी कभी आपको 58-60 fps भी देखने को मिल जाएंगे जब आप नॉर्मल सिचुएशन में हो तो। तो देखा जाता है यार आपको 60fps में भी बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस देखने को मिल जा रही है। और हीटिंग की बात करते तो ये फोन ज़्यादा हीट नहीं होता है। अगर आप इस फोन में 30 या 35 मिनट की गेमिंग भी करोगे तो इसमें आपको 42-43 डिग्री इसका टेम्परेचर जाते हुए दिखाई दे देगा 34-35 एम्बिएंट टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे आपको हीटिंग वाला भी इशू देखने को नहीं मिलता है। तो आ जाते हैं हमारे कंक्लूजन के ऊपर। तो भाई ओप्पो A53s 5G कैसा है 60fps के गेम प्ले में? तो गाइस, मैं बता दूं कि यार 60fps के गेम प्ले में ये बहुत ही अच्छी आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करके दे रहा है। आप बिल्कुल इसमें एक्सपेक्ट कर सकती है कि आपको 45fps के अबोव ही fps देखने को मिल जाएंगे, और उसमें भी ये फोन आपको मोस्टली 50 और 55fps प्रोवाइड करके दे ही देगा। तो देखा जाए तो यार 15,000 रुपए के प्राइस में आपको ये बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस जो है वो प्रोवाइड करके दे रहा है। लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि भाई अगर आप सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए इस स्मार्टफोन को लेना चाहते हैं तो आप इस स्मार्टफोन को बिल्कुल भी बाय मत कीजिएगा। इसी के प्राइस में आपको देखने को मिल जाएगा Realme 8 5G, जो कि आपको सिमिलर MediaTek Dimensity 700 चिपसेट के साथ में देखने को मिलता है, लेकिन उसमें आपको बहुत ही अच्छी ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिल जाएगी एज कम्पेयर टू ओप्पो A53s के कंपेरिजन में। अगर आपको उसका रिव्यू देखना है तो मैंने अपने चैनल पर उसका भी रिव्यू डाला है, आप जाके उस वीडियो को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। बाकी गाइस, अगर आप ओप्पो का स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इस फोन को कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा 60fps में। आप सभी अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको ये फोन कैसा लगा, एंड क्या आप इस फोन को बाय करना चाहोगे या नहीं गेमिंग के लिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो भाई लाइक शेयर कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि ऐसे अमेजिंग वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। तो चलिए मिलते हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। सुपर हिट, सुपर हिट।
पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज करो। लव यू।